सड़कों पर समोसे बेचने वाला बन गया नीट टॉपर। खुद फिजिक्स वाला के अलग पांडे पहुंचे उससे मिलने। वो दिन में समोसे बेचता है और रात को पढ़ाई करता है। मेहनत के दम पर हासिल किया इतना बड़ा मुकाम। 18 साल की उम्र में सिर्फ फोन से पढ़ाई कर पास कर ली सबसे कठिन परीक्षा। बिना किसी कोचिंग के आज हर कोई कर रहा उसको सलाम। कौन है ये सड़कों पर समोसे बेचने वाला सनी, जिससे खुद मिलने पहुंचे फिजिक्स वाला के मालिक। कहते हैं ना कि सब्र कर बंदे, दिन गुजर जाएंगे, हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नोएडा की सड़कों पर समोसे बेचने वाले सनी कुमार ने, जिन्होंने इतनी सी उम्र में दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है, और वो भी सिर्फ फोन से पढ़ाई करके। सनी की कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। सड़कों पर समोसा बेचने वाला नीट टॉपर कैसे बन गया, ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि सनी वो लड़का है जिसे देखकर लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो समोसे की ठेली पर काम के साथ साथ मोबाइल से पढ़ाई करता था तो लोग उसे पागल समझते थे, पर आज जब उसने इतनी कठिन परीक्षा पास कर ली तो विरोधियों के मुंह खुले के खुले रह गए, और सनी से मिलने खुद उसके समोसे की दुकान पर फिजिक्स वाला के अलग पांडे पहुंच गए, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल कर रखा है। इतना ही नहीं, सनी की असली कहानी ने सबको हैरान करके रख दिया है। जब आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि आज के दौर में इतना सब कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। खैर, कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल नोएडा की सड़कों पर समोसे बेचने वाले 18 साल के सनी कुमार ने वाकई कमाल कर दिया है। इस लड़के ने नीट एग्जाम को क्रैक कर लिया है, जिसके बाद उससे मिलने फिजिक्स वाला के अलग पांडे पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बताया कि दुख की बात यह है कि सनी आज भी समोसे बेच रहा है। क्या सनी भी अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा? बता दें कि सनी कुमार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में 720 में से 664 अंक हासिल किए। सनी ने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। बता दें कि सनी पढ़ाई करने के बाद दोपहर 2 बजे नोएडा सेक्टर 12 में सड़क किनारे समोसे का स्टॉल लगाता है। इस दुकान पर सनी करीब 5 घंटे मेहनत करता है और फिर रात में पढ़ाई करता है। सनी की कहानी को अलग पांडे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि सनी पिछले 3 साल से नोएडा में समोसे की ठेली लगाता है। दिन में कुछ कमाई होती है जिससे घर का गुजारा चलता है। परिवार में पैसे की कमी होने के बावजूद सनी और उसकी मां ने डॉक्टर बनने का सपना देखा। सनी ने कमाई करके ऑनलाइन 44,000 रुपए का बैच लेकर तैयारी करनी शुरू कर दी। समोसे बनाते बनाते ठेले पर ही कई बार लेक्चर देखा था। सनी की मेहनत रंग लाई और उसने 664 अंक प्राप्त किए हैं। अलग पांडे ने बताया कि सनी आज भी समोसे ही बेच रहा है, लेकिन क्या सनी अपने सपनों के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा? अगर ले भी लेता है तो परिवार का क्या होगा? ठेला कौन संभालेगा? कॉलेज की फीस कहां से आएगी? ऐसे बच्चे परीक्षा में चयन तो हो जाते हैं, उनका चयन तो हो जाता है, पर कॉलेज की हॉस्टल की फीस या घर की जिम्मेदारियां उन्हें वापस जंजीरों में जकड़ देती हैं, उन्हें बांध देती हैं। ऐसे एक नहीं हजारों सनी मिलते हैं, लेकिन सनी के जज्बे को देखते हुए सनी की पढ़ाई की जिम्मेदारी अलग पांडे ने संभाल ली है। पांडे का कहना है कि हम हर साल लगभग 100 बच्चों की मदद करते हैं, और अगर कोई ऐसे बच्चे की मदद करना चाहता है तो उनसे संपर्क करें। सनी की कहानी अब वायरल हो चुकी है और ये कहानी अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि सनी की कहानी लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।